धन्यवाद, आपका स्वागत है। जैसा कि तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से महज 12 से 13 किलोमीटर दूरी पर डाकराम सुकड़ी करके यह चक्रधर स्वामी का गांव है। इस गांव में कई वर्षों से, कई सदियों से समझो कि इस गांव में मेला लगता है और यह तीर्थ स्थल के रूप में 10 से 12 राज्यों में ख्यातनाम गांव है। इस गांव की खासियत यह है कि इस गांव में चक्रधर स्वामी का बहुत पौराणिक मंदिर भी है। ऐसे ही गांव के लोगों से जब हमने चर्चा की तो स्थानीय विधायक के बारे में लोगों का क्या कहना था, आइए देखते हैं मेरे साथ। हम लोग इस वक्त मौजूद है तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र का, यह गांव है डाकराम सुकड़ी। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पंथ समुदाय के लोगों का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और इस गांव में कई भाविक बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं और अपने जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो आस्था को यहाँ प्रकट करते हैं। इसी गांव में स्थानीय विधायक जो हैं यहाँ के, वो है विजय रांगडाले। हम उनके कामों के बारे में, इस गांव को लेकर पिछले 5 वर्षों के ही क्या काम हुए हैं, उस बारे में हम यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ गांव वाले आप देख रहे हैं जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ अभी कुछ सवाल करूँगा। क्या नाम है आपका? कुशल देवाजी कोसरकर। कोसरकर जी, बताइए स्थानीय विकास निधि के तौर पर जो विधायक का निधि होता है उसके यहाँ आपके गांव में क्या क्या विकास काम हुए? हमारे गांव में उनके 5 साल में मंदिर को एक फ्रीजर मिला बड़ा वाला। अच्छा, फ्रीजर मिला, फ्रीजर मिला है। हाँ। उसके बाद में वो लाइट मिला, एक वो हाई मास्ट लाइट लगा, लाइट मिला है। अच्छा, वो 6 महीने में अभी चालू हुआ है। अच्छा, 6 महीने बंद हुआ था, अभी शुरू किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक रोड मिला है। अच्छा, इसके अलावा एक भूमि पूजन हुआ है। हाँ। वो 2017 के मार्च में हुआ था। अच्छा, तो 1 किलोमीटर पूरा हुआ। हाँ। उसके आगे आश्रम स्कूल है आदिवासियों की। अच्छा, वहाँ फूटा टूटा है। हाँ, वो ठेकेदार तो में मट्टी डाली, लेकिन वो भी 8 दिन के पहले, 8 दिन पहले ही वो काम को किया गया है। तो आपको लगता है कि वो निष्क्रिय विधायक है आपके क्षेत्र में? हमारे हिसाब से निष्क्रिय है। आपके हिसाब से निष्क्रिय विधायक है। क्या नाम है आपका? संतोष उके। उइके जी, बताइए आपके गांव का विकास, रोजगार हो गया जैसा, यहाँ रोजगार हमी के काम वगैरह कुछ चले आपके गांव में? हाँ सर, काम चले। कितने दिन चले? वो चले 3 महीने। 3 महीना चले आपके गांव में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ जो आपका जो गांव है, इस गांव में क्या क्या परेशानियाँ है, जैसे पीने के पानी, नाली वगैरह, या फिर रोड रास्ते, ऐसा क्या क्या है समस्या है बताइए? वैसी कुछ समस्या नहीं है। पानी का ढोला जो है ना, ये 40 साल वैसा कुछ समस्या नहीं है। अच्छा। तो मेरे साथ और जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ। क्या नाम है आपका? पदमराज धार्मिक। अच्छा, धार्मिक जैसे। हाँ हाँ, ऐसे आ जाइए। हाँ। धार्मिक जी, बताइए आपके गांव में पीने के पानी की क्या समस्या है? पीने का पानी तो आता है, एक दिन बाद आता है। अच्छा, डेली कभी डेली आता है। हाँ। कभी नहीं आता। और समस्या ये है, जो ये ढोला है पानी का। हाँ। ये 40 साल के पूर्व हुआ है। अच्छा, इसकी रिपेयरिंग आज तक नहीं हुई है। जब वो जो ढोले वाला चढ़ता है ना, जो काम करता है वाटर सप्लाई का। हाँ। उसको चढ़ने में धोखा होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस समस्या को लेकर कभी आपने विधायक से चर्चा वगैरह? मैंने एक बार ये सरपंच वगैरह को बताया। अच्छा। मैंने बोला उसकी अप्लाई करो। अच्छा, और वो काम चालू करो, बोला रिपेयरिंग का काम चालू करने के लिए आपने बोला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ विकास हुआ है? विकास तो होते ही रहता है जी। ये नहीं, पिछले 5 वर्षों का विकास बताइए। वो तो बता दिया ना ये कुछ। अच्छा, नहीं, लेकिन और जैसा अलावा नहीं हुआ, इसके अलावा कोई विकास? कोई विकास नहीं हुआ। यानी रास्ते वगैरह जो भी हुए हैं ये अभी बनाए हुए हैं, पिछले 2-3 सालों में कुछ नहीं काम हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जो किसान सम्मान योजना का, जो ये सरकार बोल रही है कि हम किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत पैसा दे रहे हैं, तो वो कितने लोगों को मिल पाया होगा आपके गाँव में? तो एक अंदाजन 50% मिला होगा। 50% आपके गांव में मिल चुका है। अच्छा, यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो कितनी सफल रही है? ये तो अभी कुछ लोगों को घर मिले हैं। 25% मिले। 25% मिले हैं आपके गांव में घर। तो लगभग जैसे कि अब आपने मेरे साथ जो लोगों ने, यहाँ के लोगों ने अपने गांव की समस्या बताई है, पीने का पानी है, सड़कें हैं यहाँ, और सबसे बड़ी यहाँ समस्या ये थी कि यहाँ लगभग जो पूरी जो पूरा मामला है इस गांव का, यह समस्याओं का आलम लेकर अपने आप में ही यह है। इस गांव के विकास के लिए यहां के स्थानीय विधायक ने, गांव वालों का कहना है कि उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? अवध असाठी। असाठी जी, बताइए आपके गांव में क्या क्या समस्या है?
हमारे गांव में सबसे पहली तो ये समस्या है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो नाली गांव में है, मेरे को नहीं लगता कि बरसात के पहले से हर चीज़ की सफाई होती है, मगर अभी तक सफाई तो हुई ही नहीं है कोई भी नालियों की। नालियों की आपके गांव में सफाई ही नहीं हुई है? अच्छा, लेकिन आपका जो गांव है, यह गांव तो एक धार्मिक स्थल है, लेकिन उस धार्मिक स्थल को लेकर तो यहां के लोगों ने जाने, जो सरपंच है या विधायक है, उन्होंने जागरूक रहना चाहिए ना। हाँ, ये बात तो सही है। तो वो जागरूक नहीं दिखते आपको? मेरे हिसाब से जितना डेवलप होने को होना या जितनी ध्यान देने को होना, यहाँ के हिसाब से उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं, स्थानीय विधायकों ने ध्यान नहीं दिया है। लगभग गांव वालों का कहना है कि लोग जाते हैं, ट्राई करते हैं, मगर जब तक के सहयोग नहीं मिलेगा तो गांव के लोग करेंगे क्या? अच्छा, उसका कोई आपको विधायक वगैरह से मिलने, जैसे यहाँ के लोग जाते हैं तो उनको सहयोग नहीं मिलेगा? विधायक सुनेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे। अच्छा, मगर जाने को ना लोगों ने। अच्छा, पब्लिक सिटी थोड़ी जाएगी, जाएगी गांव के मेन लोग। अच्छा, सरपंच वगैरह नहीं जा रहे हैं? हाँ, अब वो उनका प्रश्न है कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हम कोई देखने जा रहे हैं क्या उनको? तो आपको क्या लगता है कि विकास आपके गांव में कोसों दूर है? विकास जो बोलते हैं, जो गांव के हिसाब से जो गरजू चीज़ें हैं, वो विधायक के अंडर में जो है उनने देने को होना मेरे हिसाब से। अच्छा, तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, उन्होंने जो यहाँ की जो सबसे ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जैसे यहाँ सड़कें हो गई, नालियों की साफ़ सफाई हो गई, या नालियों का निर्माण हो गया, पीने के पानी की व्यवस्था हुई, ये इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। सुकड़ी ग्राम में लगभग यहाँ एक और एक मुद्दे से हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने रूबरू कराया है, हम उनसे जानते हैं कि वो मुद्दा क्या है। क्या है आपके गाँव में सबसे बड़ा मुद्दा? इस गाँव में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी है, उनको रोजगार की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस तरीके से कुछ सड़कें कुछ बन रही है, कुछ नहीं बन रही है। यहाँ के विधायक कुछ अच्छा काम कर रहे, कुछ लेट हो रहे, उनकी नीति के वजह, स्थिति के वजह से देख के हमको चलना पड़ रहा है। उसके सबसे बड़ी चीज़ मतलब रोजगार, यहाँ के 90% लोग एजुकेटेड है, कोई ग्रेजुएशन, कोई ट्वेल्थ है, कोई अंडर ग्रेजुएशन है, कोई हाई लेवल के जिनका पढ़ाई हुई है, MSc है, BE है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो तो अभी तक आपके गांव में अभी रोजगार के सबसे बड़े साधनों की कमतरता है। लेकिन लगभग यहां से आपके गांव से तो अदानी पावर प्लांट जो है वो काफ़ी नज़दीक है, तो यहां से कुछ लोगों को लिया नहीं गया वहां? है ना, कुछ कुछ लोग लिए गए हैं। तो वो किस किन पदों पर है वो लोग? लेबर, अब कोई लेबर है, कोई इंजीनियर है, बहुत सारे लोग जिनके BE हुआ है, जिनका ITI हुआ है, उन लोग है जिनका अपने 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 हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से उनको लिया गया है। अच्छा, 10 ही लोग लिए हैं इस गांव में से? 10-15 लोग ऐसे नहीं बोल सकते हम, 10 ही लोग हो सकते हैं। अच्छा, 10-20 लोग होंगे लगभग इस गांव में, 10 से 15 लोगों को लिया गया है। और क्या, आगे स्कूल बड़ी है? हाँ, पूरे तालुका में 4 स्कूल है, हाई स्कूल, इसमें 19 सीट है, स्लिप 6 मास्टर स्कूल में आते हैं। अच्छा, तो इस जगह मैंने अभी तक के स्कूल जो टीचर का स्टाफ है वो नहीं भरा गया नहीं है। उसके अलावा भी एक क्लास में 16 लेडीज यानी गर्ल्स रहती है और 2 बॉयज रहती है। अच्छा, यानी परिस्थिति है, बच्चों की भी संख्या कम है? कम है। अच्छा, उसके अलावा भी वो शिक्षक लोग जो गए वो ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, यहाँ के जो टीचर्स लोग हैं जिला परिषद के, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे? और आगे जो जिला परिषद मेंबर है वो भी कान कुचाल कर रही है। अच्छा, तो लगभग इस गांव में यानी शिक्षा के संबंधी भी एक समस्या है। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी जो आरोग्य डिपार्टमेंट है उसकी क्या समस्या है? आरोग्य डिपार्टमेंट का वो ऐसा है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर जा रहा है तो 15 दिन नहीं आता है, बहुत बड़ा घापा है अभी तो। अगर इस गांव में लगभग अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस तो आएंगी सर, क्योंकि उनको मजबूरी है, ड्राइवर को आना पड़ेगा। 108 आती है वो आएगी, लेकिन उसके और वो डॉक्टर उसका इलाज नहीं होता? नहीं होता सर। तो इलाज के लिए फिर कहाँ ले जाते हैं उनको? अपने को गोंदिया ले जाना पड़ता है इमरजेंसी सर, तिरोड़ा या गोंदिया सर, तिरोड़ा या गोंदिया या नागपुर ले जाना पड़ता है। वो भी उसमें भी आधे रस्ते रोड फूटे हैं। हाँ, दिक्कत जा रही है सर। अच्छा, काफ़ी दिक्कत है। यानी अगर यहाँ से मरीज को, यहाँ मरीज का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन यहाँ से अगर मरीज को आप तिरोड़ा ले जाना है या गोंदिया ले जाना है या आपको नागपुर भी ले जाना है, तो इस जगह के जो रास्ते हैं वो काफ़ी जंजर हालत में है, जिसके वजह से पेशेंट को लाने ले जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। लगभग यह गाँव में समस्या शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, रास्तों संबंधित, नालियों संबंधित और रोजगार संबंधित कई समस्याओं का सामना यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। बताइए, क्या समस्या है आपके गांव में सबसे बड़ी? हमारे गांव में सबसे पहले वाटर सप्लाई हो जाए बोतल कस्सा। अच्छा, वो होने के बाद हमारे को कोई दिक्कतें नहीं। जैसी लड़के ने बताया अभी कि PSC से
कितना घोटाला है। घोटाला है ही नहीं, घोटाला है ही नहीं, ये लोग घोटाला बताते, लेकिन रेकॉर्ड में जितने पैसे आए हैं उतने लोगों को पैसा मिल चुका है गवर्नमेंट से। डॉक्टर अपने घर से देगा नहीं, लेकिन सबसे पहली बात ऐसी है कि डॉक्टर अपने घर से देगा नहीं, लेकिन भैया ने बताया कि घोटाला है नहीं, इसलिए बताता हूँ मैं क्यों मैं वहाँ से जुड़ चुका हूँ। मैं वहाँ से जुड़ चुका हूँ इसलिए मैं बोलना फिर से चाहता हूँ, भैया ने पैसे मिले नहीं, लेकिन 75% ग्रेड आई है, उस माध्यम से जिन जिन लोगों के जो नाम आए हैं उन लोगों को पैसे मिल चुके, जिनके नाम नहीं आए उनको पैसे नहीं मिले। बराबर। फिर से हमारे यहाँ पे रोड रास्ते अच्छे हैं, न्यूज़ में आ रहा है ना, चालू है कैमरा। हाँ, लेकिन हमारे को कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। बात एक है, हमारे को जिला परिषद स्कूल में 6 शिक्षक है, पूरे 12 के प्राइवेट आके पढ़ा रहे, वो 11 बजे के बाद में पूरे आते हैं। हमारा ऐसा कहना है कि यहाँ पूरे विद्यार्थी है यहाँ के सुकड़ी स्कूल के, हमारे को ऐसा लगता है कि कुछ दिन कि हमने ताला लगाने को ना, हमारे को शिक्षक की आवश्यकता है। अच्छा, आपके गांव में शिक्षक कम है। 19 की सीट है, 6 ही लोग हैं। 6 ही लोग हैं बराबर। और बाहर के जो प्राइवेट लिए हैं वो कभी 11 बजे आते, कभी 11:15 बजे आते, कभी 11:30 बजे आते, यहाँ शिक्षक नहीं रहते। अच्छा, तीसरी बात, हमारा रास्ता अच्छा है। कैसा है, कहीं कहीं जगह कैसा है कि वाटर सप्लाई की वजह से कहीं कहीं फूटा है, तो उसकी उन्होंने विल्लेवाट लगा दी है, जहाँ मिट्टी डालना है कंक्रीट डालना है वो करवा दी है। अच्छा, लेकिन कैसा है कि एक तरह अपूर्ण है, कुछ बाकी है ठेकेदार का काम, बारिश की वजह से, तो बारिश की वजह से कुछ पड़ा है। अब कैसा है कि वो जो बारिश में काम होता नहीं, दीपावली में होगा, दिवाली से होगा, बराबर दिवाली से होगा, क्योंकि अभी बारिश के बाद में होगा, भूजलगसा से रावण घाटे तक की उसने। लेकिन हमारी एक समस्या है कि जो कवले वाला से लेके तो भूजलगसा की वाटर सप्लाई है, जितनी जल्दी हो सके उतनी हो जाएगी। तो इस संदर्भ में आपने विधायक जी से चर्चा की है? भैया आप कैसा है कि हम यहाँ के लोकल है, ग्रामीण वाले हैं। एक बार छोड़ के दो बार बोले, भैया जी ने अभी बोले कि तुम्हारी दीपावली के बाद काम चालू हो जाएगा। ऐसा बोले अभी। अच्छा, उन्होंने आश्वस्त किया है। हाँ, बिल्कुल। क्या है और समस्या बताइए? धापे वाड़े सिंचन के इससे किसानों को जो पानी मिलने वाला है, रिसाड़ा बदबदया चोर खमारा, इससे आने वाले पीढ़ी को अभी सूखे जैसी परिस्थिति निर्माण नहीं होगी। धापेवाड़ा यानी किसानों के लिए यहाँ सिंचन व्यवस्था की। आमदार साहब ने अपने ही रेजिम में पूरे काम लाए हैं सिंचन के, उसके बाद में जो खड़बंदा लाइन बंद थी उनको भी चालू कराया, उनको भी आमदार साहब ने ही चालू करवाया है, और वहाँ अभी तक के 2 फसल लेके हो गई है। अच्छा, खड़बंदा तालाब को पानी दे के पहुंच गया, यहाँ तक कि किसानों ने बिल नहीं भरा था कवलेवाड़ा के साइट का, वो भी मुख्यमंत्री निधि से बिल उनका भर के। अच्छा, इलेक्ट्रिक बिल माफ कर दिया, वो भी माफ करवा दिया, 2 बार करवा दिया गया। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे काम। अच्छा, बहुत सारे जो काम है आपके एरिया के डेवलपमेंट गांव में आमदार निधि से कराए हैं। आमदार निधि से गांव में मंदिर में एक आरो, एक टोली के ऊपर में फिल्टर, वाटर फिल्टर भी लगा है। अच्छा, गांव अच्छा, में एक रोड बना है। हाँ, और ये हाईमार्क्स लाइट लगा है। अच्छा, ऐसे उन्होंने अपने निधि से 5 साल के अंदर स्थानिक निधि से 5-6 काम करवाए। दूसरा तिरोड़ा से सुकड़ी तक के 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का रोड मंजूर करा के उसका भी काम चालू हो गया है। खानेगांव तक के काम हो गया है, बारिश की वजह से रुका है। बताइए हिंदी में क्या है? हिंदी में जैसे भी आप इस गांव में आए हैं, ये गांव, इस गांव को 800 साल पुराना इतिहास मिला है। स्वयं चक्रधर स्वामी इस गांव में आए थे 800 साल पहले। और ये जो गांव है, यहां प्राचीन काल का मंदिर है चक्रधर स्वामी का, जिसका महाराष्ट्र सरकार के बजट में ये मंदिर आता है, लेकिन मंदिर का डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ है।
स्थानिक विधायक ने और स्थानिक नेताओं ने, आज तक जितने भी नेता और स्थानिक विधायक हुए हैं, उन सब ने अपने अपने तरीके से इसका विकास करने का प्रयत्न किया है, कोशिश की है। मगर जिस तरीके से ये बगढ़ का मंदिर है और जिस तरीके से इस मंदिर इसे का बगढ़ में ला लेते तो ज़्यादा विकास होता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक से और यानी चार पांच राज्य से यहाँ पर आते हैं। चैत्र मेले में बहुत बड़ा मेला, नहीं तो चैत्र के मेले में मैं भी आया हूँ, यहाँ इस गांव में काफी बहुत बड़ा मेला लगता है, मगर हर समुदाय के और हर प्रांत के लोगों को देखने में। शासन की तरफ से जो अपेक्षाएं होती है हमारी, वो अपेक्षा हमारी पूरी नहीं हो रही है। ये मंदिर हमारा बगढ़ का है, ये मंदिर कगढ़ में आना चाहिए। आपको लगता है की इस कगढ़ में इस मंदिर को लाने से आपके गाँव के मंदिर का विकास होगा? हमारा गाँव की शान यानी मंदिर है, हमारे कुल देवता मंदिर की वजह से इस गांव को एक पहचान मिली है संपूर्ण महाराष्ट्र में। बोले तो ये सुकड़ी डाकराम करके गांव विदर्भ का सबसे प्रसिद्ध गांव है और विदर्भ के इस क्षेत्र में प्राचीन मंदिर और सबसे टप्पा लास्ट का टप्पा जो विदर्भ का है उस इसमें ये हमारा गांव आता है, जिसका डेवलपमेंट करना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए मैं विधायक से और स्थानिक प्रशासन से और जिला प्रशासन से हम विनती करते हैं कि जब चैत्र महीने में यहाँ पर मेला होता है तो स्थानिक जिला प्रशासन हमको 1 लाख रुपए का ही निधि देती है ग्राम पंचायत को। जिस तरीके से यहाँ पर 1 लाख से भी ऊपर लोग आते हैं और स्थानिक 1 लाख लोगों की व्यवस्था इस गांव में हो नहीं सकती 1 लाख रुपए में, इसलिए हमारा जिला प्रशासन से निवेदन है कि आगे चलकर ये मंदिर किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो सकता है, इस गांव को नई पहचान किस तरीके से मिल सकती है, इसके लिए हमने प्रयत्न किया और चलने और ध्यान देना चाहिए। लगभग यहाँ जैसे हमें बताया है स्थानीय लोगों ने कि यहाँ जो चक्रधर स्वामी का पौराणिक मंदिर है और इस मंदिर के विकास के लिए उसे कव क्षेत्र में अगर ला लिया जाए तो लगभग इस मंदिर का काफ़ी विकास हो सकता है। और यहाँ लगभग यहाँ के स्थानियों को की मांग है कि लगभग जो जिला परिषद से यहाँ के जब चैत्र के मेले में इन्हें केवल 1 लाख रुपए का जो निधि यहाँ दिया जाता है वो यात्रा के दौरान, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि यहाँ आने वाले जो 1 से 1.5 लाख जो भाविक होते हैं जो अदर राज्य से भी आते हैं उनकी भी अच्छे से व्यवस्था करी जा सकती है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। हाँ बोलिए ना सर। और सबसे बड़ी महत्व की बात यहाँ पर यह है कि सर आजू बाजू में कहीं भी स्कूल नहीं थी एक ज़माने में और यहाँ पर स्कूल थी। ये स्कूल प्राचीन स्कूल है और नहीं प्राचीन नहीं, बहुत पुराने स्कूल है, इसका 100 साल का इतिहास है स्कूल का। अच्छा, ये आजू बाजू के एरिया में 100 साल हो चुके हैं स्कूल को। मगर सर जिस ज़माने में वो स्कूल थी यहाँ पर 21 का स्टॉप था, आज सर 4 से 5 टीचरों में हमें स्कूल चलानी पड़ती है, जिसके कारण शैक्षणिक नुकसान हमारे विद्यार्थियों का हो रहा है। अच्छा, गांव के बच्चों का ही नुकसान हो रहा है। टीचर की काफ़ी कमतरता है सर, यहां पर टीचर उपलब्ध नहीं है, जिसके तासी का ये लगती नहीं, परेड बच्चों के लगते नहीं, और शैक्षणिक नुकसान इतने बड़े तरीके पे हो रहा है कि जिला प्रशासन ने इसकी जवाबदारी लेना चाहिए, जिला प्रशासन इसके तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आपको लगता है कि यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है और जिला परिषद है उन्होंने ध्यान नहीं दे रहा है और निवेदन वगैरह सब दे के हो चुका है जिला परिषद को। हम स्थानीय आमदार के माध्यम से बहुत बार बोल चुके हैं कि यहाँ पर टीचर की कमतरता है, टीचर लाइए, क्योंकि सर एजुकेशन जब बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, इसलिए इस उद्देश्य को हमें आगे लेके चलना है। और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आ जाए यहाँ पर। अच्छा। और इस क्षेत्र का और इस गांव का डेवलपमेंट हो तो जाए। स्थानीय लेवल पर यहाँ शिक्षा के सुधारने की बहुत बड़ी यंत्रणा का एक ये है और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ की जो स्कूल है उसका थोड़ा सा विकास किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को यहीं इसी गाँव में ही स्कूली शिक्षा मिल पाए। मैं कैमरामैन नीलेश पशिने के साथ निशांत भाई। देखा आपने किस तरीके से स्थानीय विधायक अपने ही क्षेत्र के विकास में पीछे हैं। जैसा कि इस जगह विकास में मात्र पिछले 4 वर्षों से या 5 वर्षों से अब तक विकास कोसों दूर रहा है और ऐसी सिचुएशन में विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के कामों में हाल ही में जुटे हुए हैं और ऐसी स्थिति में जब जनता उन्हें चुन कर देती है तो उनके प्रति जनता यह सजगता और सबकता से जानती है कि विधायक हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, ना कि विकास को अपने क्षेत्र से कोसों दूर रखेगा। ऐसे ही कई मामले तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखने में आए हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के हर एक गांव की समस्या से अवगत कराऊंगा।